हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं भरत। मेरे चैनल का नाम है द राइट वे वन और आप सभी देख रहे हो द राइट वे वन। दोस्तों, अभी बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। हम लोग अभी मॉरीशस में हैं, आप लोगों को सभी को मालूम है। मैं अभी एक साल के लिए मॉरीशस में ही हूं। तो पिछला लॉकडाउन का घोषणा हुआ था इधर 19 मार्च 2020। उस टाइम मॉरीशस में ओनली 3 चीज़ ओपन था, खाने की दुकानें यानी बड़े बड़े मॉल्स, खाने वाला किराने का दुकान, मेडिकल और बैंक। ठीक है, मेडिकल, किराने की दुकान और बैंक, 3 चीज़ ओपन था। दोस्तों, आज जो तारीख है 25 तारीख है, 25 मार्च 2020। कल था 24 तारीख को प्रेस कॉम्प्रेस, वो था यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ का। उन्होंने अभी हालात को देखते हुए ये घोषणा की है कि यहाँ पे सभी सुपरमार्केट बंद रहेगा, यहाँ पे पूरा लॉकडाउन रहेगा। मॉरीशस में 24 तारीख से ये घोषणा की है, मतलब 25 तारीख को लागू होगी। एक हफ्ते के लिए सभी दुकानें, मॉल वॉल टोटल बंद, लॉकडाउन। और इधर लगा हुआ है मॉरीशस में कर्फ्यू, आज से मॉरीशस में कर्फ्यू है। और हम लोग मॉरीशस में एक हफ्ते से घर पे हैं, लगभग एक हफ्ते से हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपको एक पेपर बता देता हूँ मॉरीशस गवर्नमेंट का, जो हमारे को हमारे कैंप में मिला है। जॉब कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट ऑथराइज देगी, एक पेपर देगी स्टैम्प लगा के कि आप मॉरीशस में अभी इम्पोर्टेंट जो काम आपका इधर आप जो करते हो प्रोफेशनल, वो चीज़ में वो चीज़ आप जॉब पे जा रहे हो, तो वो पेपर आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो पेपर नहीं होगा जो ऑथराइज किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, तो पुलिस वाले आपको पकड़ के अंदर डाल देंगे और या फिर 11,000 रुपये का फाइन आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉरीशस में अभी 2 आदमी कोरोना वायरस से पीड़ित थे, कोविड-19 से, तो दोनों आदमी मर गए हैं। अभी टोटल यहाँ कोविड-19 से पीड़ित है उन लोगों की संख्या बढ़ के, पहले 28 था, 28 से बढ़ के 45 हो गया है। तो उनका इलाज अभी चल रहा है। तो दोस्तों, मेरे साथ में कुछ दोस्त हैं, मेरे साथ में 2 दोस्त हैं मेरे कैंप में, और एक है बिहार से और एक है गुजरात से, सूरत का है मेरा दोस्त। हम लोग साथ में खाना बनाते हैं, तो वो क्या बोलता है उसे मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ठीक है, उसका नाम है अंकुर कुमार पंचाल। दोस्त बता, क्या हालचाल है इधर का, केम छो? हेलो फ्रेंड, मारू नाम है अंकुर पंचाल, हूँ अत्यारे मॉरीशस में रहूँ छू, अने मॉरीशस में हूँ मेंसर सेक्शन फेसिलिटी लिमिटेड कंपनी में जॉब करूँ छू, बराबर, एज ए इलेक्ट्रिकल एंजीनियर तरीके। अने मारी ड्यूटी है एरपोर्ट पर, मॉरीशस एरपोर्ट पर। तो हालनी डेट में आप जोए तो पूरा आखा मॉरीशस की अंदर दरेक जगह पर कोरोना वायरस ना लीधे आखू मॉरीशस अत्यारे बंद छे। तो आ समय नी अंदर आपणे एटली बधी काळजी राखवी जोईए के जेम के पहली वात तो ए के आपणे आपणा हाथ जे छे बराबर एने आपणे सेनिटाइजर थी धोवा जोईए। पछी बीजी वस्तु छे के आपणे एकबीजा थी डिस्टन्स मेंटेन्स करवुं जोईए, जेम के हूँ अने बीजो कोई पण भाई वात करता होय तो आपणे 1 मीटर ओछामां ओछुं डिस्टन्स मेंटेन राखवुं जोईए। तीजी वस्तु કે આપણે જ્યાં પણ કામ કરતા હોઈએ અથવા તો આપણે ખાવા બેઠા હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે કંઈ પણ કશું કરતા હોય તો આપણે ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન રાખીશું તો કોરોના વાયરસ જે છે એ એકબીજાથી દૂર રહેવાથી જલ્દી ફેલાતો નથી। આપણે એકબીજાના સંપર્કમાં નજીકમાં હશું તો એ વાયરસ ફેલાય છે, બરાબર। બીજી વસ્તુ કે દરેક વસ્તુ આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખાવાનું બનાવીએ અથવા કોઈ પણ કંઈ કામ કરીએ તો તરત આપણે હાથ ધોવા જોઈએ, બરાબર, આપણું મોઢું પણ ધોવું જોઈએ। અને આ વાયરસ જે છે એ એક એના જર્મ્સ એ બહુ જ જલ્દીથી ફેલાઈ જાય છે, બરાબર, તો આપણે એ બધી વસ્તુની કાળજી રાખવી જોઈએ। અત્યારે હાલની તારીખમાં જોઈએ તો આખા મોરેશિયસની અંદર લોકડાઉન છે, બરાબર। હું જ્યાં રહું છું એ એરિયો બી અત્યારે સુમસાન છે, કોઈ માણસ કશે બહાર નથી નીકળી શકતો। એનું કારણ છે કે અત્યારે અહીંયા પોલીસ ટોટલી એટલી કાળજી રાખે છે દરેક વ્યક્તિની કે તમે કદાચ બહાર નીકળશો
તો તરત તમને પોલીસ પકડશે અને તમારી પાસે પરમિટ માંગશે કે ભાઈ તમારી પાસે પરમિટ છે બહાર નીકળવાની, કયા કામથી બહાર નીકળ્યા છો, બરાબર શાના માટે નીકળ્યા, કંઈ લેવા નીકળ્યા છે, તો બી તમારી પાસે બધા રીઝન હોવા જોઈએ. અને વિધાઉટ પરમિટ તમે કોઈ તમને પરમિશન મળશે નહીં, બરાબર. તો આ સમય દરમિયાન અમે લોકો પણ એટલી બધી તકલીફો ભોગવી રહ્યા છીએ અહીંયા રહીને, પણ અમે લોકો સેફ છે. પણ જેમ કે ખાવાની તકલીફો છે, શાકભાજી બહાર મળતા નથી. મોરેશિયસ એવી કન્ટ્રી છે કે જ્યાં શાકભાજી ઇઝીલી અવેલેબલ નથી, બરાબર. તો એવી જગ્યા પર કોઈક દિવસ એવા છે જ્યારે મેગી ખાઈને પણ રહેવું પડે છે, બરાબર. કોઈક દિવસ દાળ ભાત શાક રોટલી પણ ખાઈને રહેવું પડે છે. અને સૌથી મોટી મુસીબત અહીંયા ઘઉં જે છે, બરાબર, એ સૌથી વધારે મળતા નથી. અહીંયા સૌથી વધારે ખેતી છે શેરડીની, બરાબર. એટલે મોરેશિયસ ગવર્મેન્ટ જે છે, બરાબર, એ અત્યારે પ્લાનિંગ કરી રહ્યું છે કે લોકોને જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુ મળી રહે, બરાબર, અને લોકો શાંતિથી પોતપોતાનું કામ કરીને ઘરમાં બેસે, બરાબર. અને આ વાયરસની જે ચેઇન છે, બરાબર, એને તોડવી આપણા માટે બહુ જરૂરી છે, બરાબર. એટલે આપણે જો ઘરમાં રહીશું તો જ આ ચેઇન તૂટશે. બીજી વસ્તુ, હવે વાત કરીએ આપણે ઇન્ડિયાની, બરાબર. તો ઇન્ડિયામાં નરેન્દ્ર મોદીએ જે લોકડાઉન કર્યું છે 21 દિવસનું, એ પૂરા આખા વર્લ્ડની અંદરની વાત કરીએ આપણે તો એ બહુ બહુ જ મોટું સ્ટેપ છે, બરાબર. અગર જો નરેન્દ્ર મોદી 21 દિવસનું લોકડાઉન નહીં કરે તો આ ચેઇન જે છે એનો બ્રેક થશે નહીં, બરાબર. એટલા માટે જે ગવર્મેન્ટે જે પણ સ્ટેપ ઉઠાવ્યું છે, બરાબર, એની અંદર આપણે એને સહભાગી થઈએ, બરાબર. એના કહ્યા પ્રમાણે આપણે દરેક વસ્તુનું ફોલોઅપ કરીએ, બરાબર, તો આ જે ચેઇન છે એ તૂટશે અને વાયરસ જે છે એ પૂરા વર્લ્ડમાંથી નાબૂદ થશે, બરાબર. તો આના માટે આપણે ગવર્મેન્ટને સહભાગી થઈએ અને એની હેલ્પ કરીએ. એમ જેમ કે એક જ વસ્તુ છે, આપણે બહાર નહીં નીકળીશું, બરાબર, તો આ વાયરસ નથી ફેલાવાનો. અને બીજી વસ્તુ, આપણા પરિવારના દરેક લોકો છે એના માટે આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ કે ભાઈ અમારો પરિવાર છે એને સાચવીને રાખજો. જે પણ અમે લોકો કોઈ બહાર છે તો એના માટે બી અમે લોકો જો બહાર નહીં નીકળીશું તો આ ચેઇન શું કહે કે લાંબી નથી થવાની એમ, અને બ્રેક થઈ જશે. કારણ કે આ કોરોના વાયરસ એક એવો રોગ છે કે બહુ જલ્દી સ્પીડમાં ફેલાઈ રહેલો રોગ છે. તો આપણે આ ચેઇનને બ્રેક કરીએ, બરાબર, શાંતિથી બધા પોતાનું સ્વાસ્થ્ય જાળવીએ અને ઘરમાં રહીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. ઓર દોસ્તો, દૂસરા દોસ્ત હૈ મેરા જય પ્રકાશ, એક ભક્ત હૈ, એક ભક્ત હૈ યહાં કા, મતલબ વેજીટેરિયન હૈ, પૂજારી હૈ યહાં કા, ઉસકો ભી દિક્કતે હો રહી હૈ, મંદિર નહીં જા પા રહા હૈ, ઉસસે આપકો મેં બાત કરવાતા હું. યે હૈ જય પ્રકાશ. હા ભાઈ, બતા ક્યા હાલ ચાલ હૈ? મોરિશસ મેં કોરોના વાયરસ આ ગયેલ બાટે, આપ લોગ બચ કે રહેલ જા, ઠીક ને, સેફ ઝોન મેં રહેલ જા, સાબુન સે હાથ ધોવલ જા, માસ્ક લગાવલ જા, સેનેટાઇઝર સે હાથ ધોવલ જા, હાથ મેં ગ્લવ્સ લગાવલ જા, કમ સે કમ એક દૂસરા સે દૂરી 1 મીટર કે દૂરી બના કે બાતચીત કરલ જા, તબ સુરક્ષિત રહી. ઘર સે બહાર નહીં નિકલે કે આપ લોગન કે હેમ, કાહે કે કર્ફ્યુ લાગલ બટે જનતા કર્ફ્યુ, આપણે એક દૂસરે સે સટ કે રહેબ તો કોરોના વાયરસ ભરી. લોકડાઉન મેં કમ સે કમ સરકાર કા સાથ દે, એક હપ્તા તક લોકડાઉન હૈ, સુપર માર્કેટ ઇન્ટરમાર્ટ સબ કુછ બંધ બાટે, ઓર એકરા વજહ સે આપ લોગ ક્યા કરલ જા કે ઘર મેં આરામ સે અપન ઘર મેં સુરક્ષિત રહેલ જા. જય. તો દોસ્તો, આપને મેરે દોસ્ત કી બાત સુની હોગી. દોસ્તો, મેરા દોસ્ત એક ગુજરાત કા હૈ, તો ઉસને અપની ગુજરાતી ભાષા મેં અપને સ્ટેટ વાલે કો લોગો કો યે મેસેજ મેરે વિડિયો કે થ્રુ પહોંચાયા હૈ. દૂસરા દોસ્ત હૈ મેરા બિહાર કા, તો ઉસને અપની લેંગ્વેજ મેં બાત પહોંચાઈ હૈ. દોસ્તો, વાત કરું મોરિશસ કે તો ઇધર અભી 2 લોકો કી મોત હો ચુકી હૈ ઓર 48 લોગ કોરોના વાયરસ સે પીડિત હૈ. યે ધીરે ધીરે વાયરસ સે સંખ્યા ધીરે ધીરે કરકે બઢ રહી હૈ, હાલાત બહુત ખરાબ હૈ. और आप लोग हल्के में मत लो, इंडिया वालों ये बात सुन लो, लॉकडाउन के अंदर आप अपने घर में रहो, आप ये वायरस को बढ़ावा दे रहे हो, आगे फैला रहे हो. इधर हम लोग 10 दिन से, लगभग 10 दिन से घर के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, घर के बाहर पुलिस वाले घूम रहे हैं गली गली में. और आप लोगों को अच्छा मौका मिला है घर पे रहने के लिए, परिवार के साथ रहने के लिए, लेकिन आप लोग इतना बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो और इतना उल्टा सीधा कर रहे हो जिसकी कोई सीमा नहीं है. आप लोग लॉकडाउन में बाहर घूम रहे हो, कोई लोग पिकनिक जा रहा है गाड़ी लेके, कोई लोग मोटरसाइकिल में बैठ के, बाइक पर 3-3 लोग बैठ के घूम रहे हैं, कोई लोग पता नहीं आप क्या हो रहा है इंडिया में. और
आप लोग सुधरिए, ये वायरस बहुत डेंजरस है, हल्के में मत लो भैया, वायरस बहुत डेंजरस है। ये वायरस हवा में बहुत टाइम तक रह सकता है। आप जब कुछ लेने जाते हो मार्केट में, लॉकडाउन में जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, कुछ किराने की दुकान में जा रहे हो, मेडिकल जा रहे हो, तो आप घर से बाहर निकलोगे, वापस आओगे तो तुरंत अपने कपड़े उतार के बाथरूम में जाके नहाओ, डिटॉल के पानी से नहाओ, और फिर ये कपड़े धो के धूप में सुखाओ। बैक्टीरिया नहीं फैलेगा, अन्यथा ये बैक्टीरिया बहुत डेंजरस है, ये फैलना ही है, और आपके घर में आपकी वजह से सब लोग बीमार हो जाएंगे, और ऐसा आप लोग करोगे तो पूरा देश ख़त्म हो जाएगा, पूरा देश बिगड़ जाएगा। गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, पुलिस वाले अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आप लोग क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हो? आप सुधरो यार, क्योंकि हम लोग सुधरने वाले हैं नहीं, हम तो लातों के बूत हैं, बातों से नहीं सुधरेंगे। इसीलिए आज पुलिस वाले तुम्हारे को पीट रहे हैं, और मैंने कुछ क्लिप रखा है, आप ये क्लिप देखो जाके, कितने मज़े आ रहे हैं लोगों को, देखो आप एक क्लिप देखो। ਸਾਲਿਓ ਚੀਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਸਾਲਿਓ ਕੁੱਤੀ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੈਣ ਚੋਂ ਕੇਕ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਇਸ 'ਚ ਅੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚ ਟੋਈ 'ਚ ਚੁਰਨੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਮਗਾਦੜ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਕੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਰਿਆਂ ਸਾਗ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਓ, ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਕੁਛ ਤੇ ਖਾ ਲਓ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਘੂਸੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਵਿਪਦਾ ਪਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਚੋ ਡਾਲਰ ਡਾਲਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ ਪਾਗਲ, ਭੈਣ ਚੋ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਪਾਗਲ, ਕੰਧਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ, ਭੈਣ ਚੋ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਮਾਨ ਬਾਏ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ, ਭੈਣ ਚੋ ਇੱਥੇ ਬੁੰਡ ਦੁੱਗੀ ਸਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੂਸੀ ਦਿਓ ਭੈਣ ਚੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨੀ ਕਰਿਆ, ਭੈਣ ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਭੈਣ ਚ ਗਲਾ ਘੋੜਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਿਓ ਚਿੰਕੂ, ਭੈਣ ਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਲਿਓ। आप सभी सोना मोना चिक्की पिक्की से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बाबू को अपनी गली में आने के लिए मजबूर मत करना, समझ गए, वरना बाबू को बाबूलाल बना देंगे मार मार के पुलिस वाले। हैं कभी बाबू आ जाओ तुम्हारी झलक देखनी, मन ना लग रहा, झलकता रह जाएगा वो, हैं सूचना जनित में जारी। कसला प्रॉब्लेम? तंबाखू खाण्याचा प्रॉब्लेम। तुला तंबाखूचा प्रॉब्लेम झाला, त्यासाठी बाहेर आलोय तू? हा मित्राकडे गेला होता, नको तंबाखू।
दोस्तों, मेरा नाम है भरत, मेरे चैनल का नाम द राइट वे वन और आप सभी देख रहे हो द राइट वे वन। प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आके पहुँचाइए ताकि सभी के दिमाग में थोड़ा थोड़ा कुछ बात घुसे, ठीक है। और ये लोगों को पीटो जो रोड पे अभी घूम रहा है, लॉकडाउन में मज़े कर रहे हैं, जो क्रिकेट खेलने वगैरह वगैरह, मारो इनको। जो वीडियो आप देखा ना, ऐसे लोगों के साथ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जय सियाराम, जय भारत, जय हिंद।